हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ बेहतरीन बोट्स। जी हाँ, वो YouTube के ही होंगे और वो बोट्स कुछ इस प्रकार से होंगे कि सबसे पहली बात तो कि ये वीडियो जो होगी वो बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होगी। और अगर आपको इस बोट का पता भी चलता है पर आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक इसी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाली है, आप इंस्टाग्राम पेज पर सॉरी डाली है, वह आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाता है असली में। तो जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं इस बोट को। तो ये है इसका, ये पाइथन के ऊपर वर्क करता है ओबियसली। तो मेन बात यहाँ पर आती है, मैंने आपको बहुत सारे बोट दिखाए, ठीक है ना। मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो में देखिए, मैंने आपको बहुत सारे यूट्यूब फेसबुक के बोट्स दिखाए हैं। मगर उन बोट्स में क्या होता था, वो बोट्स जो काम करते थे वो पाइथन पर नहीं काम करते थे, वो अपनी अदर लैंग्वेज पर, अपनी ही लैंग्वेज पर काम करते थे, या फिर कोई रशियन या कोई मलिशियस कोड के अंदर इंजेक्ट करके वो काम करते थे। मगर अब मैंने इस एक बोट को ढूंढ निकाला है। हालांकि ये काम करता है, ये काम करता है, मगर सबसे पहले इसके अंदर आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप अपने ही चैनल पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा कि आपका चैनल सस्पेंड भी हो सकता है। तो भगवान करे ना हो आपके चैनल, सभी एकदम बढ़ते रहें आगे। और अगर आपको फिर भी ऐसा करने की ज़रूरत है तो आपको ये मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जो इसके टूल्स वगैरह होंगे वो भी इसके मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके ऊपर, ये यूज़ कैसे करना है। ये वाइटी शॉप नाम का है एक गिटहब टूल, जी हाँ गिटहब टूल ही बोलेंगे, क्योंकि अभी ये गिटहब पर ही है। मैं इसे रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे टूल्स जो हैं रन करके दिखाए हैं, मैं बस इसका ऐसे ही प्रीव्यू दे दूंगा। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं सामने, इसका इंटरफेस ऐसे आ जाएगा। पाइथन के अंदर ये रन होगा बड़ी आसानी से, पाइथन 3 के अंदर, और ये काले लिनक्स के अंदर भी रन कर जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। वही नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे, नॉर्मल सॉरी टूल जैसे यूज़ करते हैं वैसे इसको भी यूज़ करना है। और आपको इसके अंदर प्रॉक्सी चेंज कर लेनी है, अपनी आईपी चेंज कर लेनी है, मैक एड्रेस चेंज कर लेना है यूज़ करने से पहले। जी हाँ दोस्तों, यूज़ करने से पहले आपको सब कुछ चेंज कर लेना है। आपको इसके अंदर जो क्वायरीज डालेंगे आप, मतलब जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड वो सब डालेंगे, वो सब रियल होने चाहिए, रियल बोट होने चाहिए। अगर आप इसके अंदर एपीआई की यानी कि एसएसएम पैनल वाला यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप एसएसएम पैनल से डायरेक्ट एपीआई की लेकर उसी की सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं किसी एक बोट के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। पर मैं यहाँ पर इसको क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो पर स्ट्राइक वगैरह आए। तो मैंने ये, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं फिर भी इसको बता रहा हूँ कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ से यार आपको जो ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह होंगे, एपीआई की बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे, और इसमें हम बस आपको यही बताएंगे कि आपके पास अगर डाटा है, मतलब ईमेल पासवर्ड या एक्सेस की कुकीज़ या फिर कोई किसी भी फॉर्मेट में अगर आपके पास डाटा है लोगों का, डाटा मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास कोई भी लीक डाटा होना चाहिए, सिर्फ आईडी पासवर्ड, एक्सेस की, टोकन एक्सेस, कुकीज़, ये सभी फॉर्म में अगर आपके पास डाटा है तो आप इसे चला सकते हैं। मगर उससे पहले आपको अपने आईपी, मैक एड्रेस और एक और चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। चलो वो जब मेरे याद आएगी मैं आपको बता दूंगा, मगर ध्यान रखना ज़रूरी है इन दो बातों का। तो तीसरी बात मेरे को लगता है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी मेरे याद नहीं है। तो आपको आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस ये सभी हाइड कर लेने हैं, चेंज कर लेने हैं। इसके इस सॉफ्टवेयर के अलग से होंगे और आपकी लैपटॉप या पीसी के अलग से होंगे, और आपकी वर्चुअल मशीन में भी आपको चेंज कर लेना है वीपीएन के थ्रू। वीपीएन एक प्राइवेट वीपीएन लीजिए, देखिए जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा।
इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपकी ग्रोथ होगी। आप इससे अपना जो एस एस एम पैनल लेते हैं उसका खर्चा निकाल सकते हैं अगर आप एक बार ये यूज़ करें तो। अगर इस ट्रिक को एक बार समझे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको असली ईमेल पासवर्ड और असली जो ईपी सॉरी ये ईमेल एड्रेस की क्वेरीज चाहिए होंगी, तो आपको लॉग्स में लॉग्स के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ से डायरेक्ट आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर फील्ड लॉग जिस हिसाब से आया है ये सक्सेसफुली लॉगिन, ये पहले उन आईडी को वन बाय वन करके एक सर्वर पर जाकर और उसे कनेक्ट करके अपनी ईमेल और पासवर्ड को कनेक्ट करके सक्सेसफुली लॉगिन करके आपको दिखा देगा। उसके बाद जो फेल्ड एक्शन, ये फेल्ड एक्शन में यहाँ पर हम बात करेंगे, ये फेल्ड एक्शन है कि उसने सब्सक्राइब नहीं किया। और रिकैप्चा मतलब सॉल्व नहीं किया उसने, तो इसलिए आपके पास असली होने चाहिए। इस भाई साहब ने देखिए बोट्स लगा रखे हैं, ये फेक ईमेल आईडी है। देखिए डीबग मोड लाइक फेक फेक अकाउंट एट द रेट लाइक फेक अकाउंट एट द रेट फेक अकाउंट एट द रेट, ये इसके पासवर्ड्स हैं, ये इसके लॉगिन्स, और लॉगिन्स के बाद लॉग्ड के बाद इनकी ये एक्सेस किया जाती है जो शून्य के बराबर होती है। तभी तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली हो गए, एक्शन नहीं लिया, फेक अकाउंट्स। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इसे यूज़ कीजिए, मेरी वेबसाइट पर मैंने डाल रखा है। अगर आपको कोई भी डाटा चाहिए उसका या कुछ भी मतलब इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या किसी भी एपीआई की के साथ, और अगर आपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों का मेरे पास मैसेज आया था कि हम एसएसएम पैनल से नहीं लेना चाहते क्योंकि वो एसएसएम पैनल का हमें एक तो वर्किंग नहीं पता होता और वो पैसे कहाँ जाते हैं वो हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो फेक बोट्स होते हैं जो कुछ दिनों बाद अपने आप से हट जाते हैं। तो बस अगर कोई और बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा, मगर आपको लाइक और सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो से हिलना नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और थैंक यू दोस्तों, ये टूल्स अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, लिंक मेरी वेबसाइट का है, तो आप वहाँ से जाएं और एक बार वहाँ पर भी देखें। आपके लिए बाबू भैया बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, अगर एक बार आप जाओगे तो मतलब आपका मन करेगा कि ये भी ले लो, ये भी मेरे काम का है और वो भी मेरे काम का है। अगर आप एक इथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आप नहीं भी रखते हैं तो भी एक बार जाकर आइए, हो सकता है आपके भी काम की चीज़ वहाँ पर मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।